तो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑटो शेल्टर। तो दोस्तों, हम सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले जो है महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन, जिसको बिग डैडी ऑफ एसयूवीज कहा जाता है, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। गाड़ी जो है बहुत ही धासु और बढ़िया सी बनाई गई है। और दोस्तों, इसी के साथ जो है स्कॉर्पियो क्लासिक का भी एक अपडेटेड वर्जन आने वाला है। तो दोस्तों, इस गाड़ी को जो है स्पाई इमेजेस में देखा गया है और इसमें जो है इंटीरियर वगैरह सारा कुछ रिवील हो चुका है। तो चलिए जानते हैं कि हमारी अपडेटेड स्कॉर्पियो क्लासिक कैसे होने वाली है। सो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, पुरानी जो स्कॉर्पियो थी उसका मार्केट में बहुत ज़्यादा दबदबा था, और ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट की बहुत ही बेहतरीन गाड़ी थी, और ये गाड़ी जो है आज भी बिक रही है। और दोस्तों, इसी को जो है अपडेटेड वर्जन के साथ में लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों, ये जो गाड़ी है रेड और वाइट कलर में स्पाई की जा चुकी है, और इसमें हमको बहुत से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो गाड़ी में जो है हमको 7 स्लैग की ग्रिल मिलने वाली है, जो कि हमको पुरानी स्कॉर्पियो से थोड़ी अपडेटेड मिलने वाली है, और इसमें जो है हमको नया लोगो देखने को मिलने वाला है। साथ ही में दोस्तों, हेडलैम्प का जो पैनल है उसमें हमको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है, वो हमको सिमिलर ही देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों, साइड प्रोफाइल को देखें तो इस गाड़ी में हमको जो अभी ड्यूअल टोन एलॉयज मिलने वाले हैं, जो कि गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देंगे। और दोस्तों, एक्सटीरियर में हमको ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले हैं। रियर प्रोफाइल जो है इसमें भी टेल लैम्प सेटअप वगैरह सारा जो है वो पुराने ही हमको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, बात करें इस स्पाई इमेजेस में लीक हुए स्कॉर्पियो क्लासिक के नए इंटीरियर लेआउट के बारे में, तो इंटीरियर में भी हमको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो हमको स्टेयरिंग पर नया लोगो देखने को मिलने वाला है, और स्टेयरिंग का जो लेआउट है वो भी थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है। बाकी इंटीरियर चेंजेस की बात करें तो इसमें हमको कोई भी मेजर इंटीरियर चेंज जो है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। इंटीरियर के शेड्स और डैशबोर्ड का डिज़ाइन जो है वो पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही रखा गया है, और इसमें भी हमको जो है 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाली है, जिसमें हमको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटीज देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, बाकी इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो इंटीरियर के जो फीचर्स हैं वो सारे कैरी फॉरवर्ड कर दिए गए हैं, जिसमें हमको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रियर पार्किंग कैमरा, ड्यूअल एयरबैग्स और बाकी के जो फीचर्स हैं वो सारे हमको मिलने वाले हैं। दोस्तों, बात करें नए स्कॉर्पियो के पावर ट्रेन ऑप्शंस की, तो इस गाड़ी में जो है हमको पुराने वाला ही इंजन मिलने वाला है, जिसमें हमको 2.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। और ये जो इंजन है 132 bhp की मैक्सिमम पावर और 300 न्यूटन मीटर तक का मैक्सिमम टॉर्क हमको जनरेट करके देगा। और दोस्तों, ये जो स्कॉर्पियो क्लासिक है ये हमको रियर व्हील ड्राइव के साथ में ऑफर की जाने वाली है। दोस्तों, बात करें गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में, तो इसमें हमको दो ही वेरिएंट्स ऑफर किए जाने वाले हैं, जिसमें हमको